हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप किसी भी वीडियो को HD क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब एक नॉर्मल वीडियो की क्वालिटी को इनहेंस करके उसको हाई क्वालिटी वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए हम यूज करने वाले हैं कैपकट एप्लीकेशन का। सो सबसे पहले आपके पास एक कैपकट ऐप होना चाहिए, एंड अगर आपके पास एक कैपकट ऐप नहीं है देन इसे आप थोड़ा सा सर्च वगैरह करके इंस्टॉल कर लेना। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी आ सकते हो। ओके, तो ठीक है, आप इसे इंस्टॉल करना। और कैपकट को यूज करने के लिए आपको किसी VPN से कनेक्ट करना पड़ता है। तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको बहुत सारे VPN देखने को मिल जाते हैं, वहां से आप कोई भी एक इंस्टॉल करके उसे आप ओपन कर लेना। जैसे कि मैंने सुपर VPN को ओपन कर लिया, देन कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके आप VPN से कनेक्ट हो जाना। ठीक है, मतलब कनेक्ट के ऊपर क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली आप VPN से कनेक्ट हो जाओगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लाइक आप यहां पे देख सकते हो। अब आपको जस्ट बैक करके इसे आपको मिनिमाइज कर देना है, देन आपको अपने कैपकट ऐप को ओपन करना है। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, देन आपको यहां पे एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर लो। उसके बाद अगर आप फोटो वाले सेक्शन में हो तो वीडियो वाले सेक्शन में आ जाओ और यहाँ पे अपना वीडियो को आप सेलेक्ट कर लेना जिसका क्वालिटी आप इंक्रीज करना चाहोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वीडियो को सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक करना, तो आपका जो वीडियो होगा वो ऐड हो जाएगा। और मैं इसे प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो काफी मतलब कि एक नॉर्मल सी क्वालिटी की हमारी वीडियो है, आप यहां देख पा रहे हो। ठीक है, तो अब इसे वीडियो की क्वालिटी हम इंक्रीज करने वाले हैं। सो वीडियो को क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए ना आपको यहां पे बेसिकली सिर्फ दो स्टेप से करना होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करके यहां थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना होगा। आप स्क्रॉल करोगे तो एक एडजस्ट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करना और यहां पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ना आपको यहां पे बेसिक एडजस्टमेंट कर लेना है, जैसे कि जो आपका ब्रिलियंस और ये ब्राइटनेस है इनकी मदद से आप लाइट को यहां एडजस्ट करना। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ब्रिलियंस की मदद से थोड़ा सा यहां लाइट को इंक्रीज करके जस्ट ब्राइटनेस की मदद से थोड़ा यहां इसे डिक्रीज करूं, तो इसे कहे कि कॉन्ट्रास्ट बन रहा है। ठीक है, और अगर आप इसे थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हो तो आप जस्ट यहां शैडो के ऊपर आना एंड इसे इंक्रीज कर देना तो लाइट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पे कर सकते हो लाइट को एडजस्ट करने के लिए। फिर कलर को एडजस्ट करने के लिए आप सैचुरेशन के ऊपर क्लिक करके कम या ज्यादा कर पाओगे, तो मैं यहां थोड़ा इंक्रीज करता हूं, काफी सही लग रहा है। ठीक है, ये कर लेना। साथ ही में आपको यहां एक HSL का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप एक कलर को जस्ट एडिट कर पाओगे। जैसे कि ये जो स्टार्टिंग वाला HUE है इसे आप देख पा रहे हो कलर ही चेंज हो जा रहा है, और सैचुरेशन से आपको पता है सैचुरेशन बढ़ेगा कम होगा। ठीक है, तो ये आप यहां पे कर सकते हो। सो ये बेसिक एडजस्टमेंट कर लेना है। उसके बाद आपको यहां पे एक कॉन्ट्रास्ट और एक शार्पन का ऑप्शन दिखेगा जिनको आपको इंक्रीज करना है सो दैट कि आपका वीडियो का क्वालिटी इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज करना, देन उसके बाद शार्पन के ऊपर आके आप इसे इंक्रीज करना। नाउ अब आप यहां पे देखो ये हमारा बिफोर का वीडियो जिसका क्वालिटी आप देख सकते हो काफी मतलब नॉर्मल है, ठीक ठाक क्वालिटी। बट अभी आप देखो ये आफ्टर काफी अच्छे से यहां पे सारा डिटेल्स वगैरह, अगर आप यहां आईज को देखो तो आपको पता चलेगा। ये देख सकते हो बिफोर में डिटेल्स अच्छे से नहीं दिख रहा है, वही आफ्टर देखो आप काफी अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको जस्ट यहाँ पे बेसिक एडजस्टमेंट कर देना है, फिर आपको डन करना है, आपका वीडियो का क्वालिटी काफी अच्छा इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे आपको जस्ट एक इफेक्ट ऐड करना है, तो आपको यहाँ एक इफेक्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करना। फिर यहाँ आपको एक वीडियो इफेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा वेट करना होगा, देन यहाँ पे आपको काफी सारे इफेक्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा जिसे आप देख सकते हो। साथ में यहाँ काफी सारे कैटेगरी वगैरह भी मिलते हैं, तो आपको ये जो लेंस वाले कैटेगरी है ना आपको इसमें आ जाना है। ठीक है, लेंस वाले कैटेगरी में आप यहाँ पे आ जाओगे तो आपको यहाँ पे एक स्मार्ट शार्पन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करना और इसे सेलेक्ट करना। ठीक है, इसे ही को सेलेक्ट करके जस्ट आप डन करना। मैं इसी इफेक्ट की बातें कर रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हो इसे हमने यहाँ पे ऐड किया तो क्वालिटी काफी अच्छे से इंक्रीज हो जा रहा है, लेकिन कलर्स को ये थोड़ा गड़बड़ कर देता है, मतलब इसे आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ एक एडजस्ट का ऑप्शन मिला, आप इसके ऊपर क्लिक करो और जो फिल्टर है सबसे पहले आप इसे जीरो करो और ये ब्लर को भी जीरो कर दो। अब आप यहाँ देख सकते हो
वीडियो क्वालिटी काफी अच्छे से इंक्रीज हो जा रहा है। मैं इसे डन करके आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो कितना ज्यादा ये शार्प हो गया, मतलब कि सारे डिटेल्स वगैरह अच्छे से दिख रहे हैं। साथ ही में आप चाहो तो ये शार्पन को अपने अकॉर्डिंग और भी कंट्रोल कर पाओगे। जैसे अगर मैंने पूरा कम कर दिया तो बिल्कुल नॉर्मल, अब यहाँ जैसे जैसे इंक्रीज करूँ उतना ज्यादा इसका क्वालिटी इनहेंस होते जा रहा है, आप यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है, तो मुझे इतना काफी सही लग रहा है, सो मैं इतना रख लेता हूँ। आपके वीडियो के ऊपर जितना सही लगा आप उतना रखना, फिर डन कर लेना। ओके, और उसके बाद इसे आप पूरा वीडियो में अप्लाई कर देना, क्योंकि हम पूरे वीडियो का ही क्वालिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो पूरे वीडियो में अप्लाई कर देना है। एंड हाँ, लास्ट में अगर ये वाटर मार्क है तो इसको ऊपर क्लिक करके डिलीट करना। ठीक है, तो आपको जस्ट ये फर्स्ट स्टेप में करना है, मतलब कि इफेक्ट एक आपको अप्लाई करना है, साथ ही में आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देन अब आपको यहाँ पे 720 के ऊपर क्लिक करके इसे पूरा आपको यहाँ मैक्स कर देना है। ठीक है, बट हाँ एक चीज आप ध्यान रखना, इसे आप 1080 ही रखना, इसे 4K या 2K मत करना। मैं क्यों नहीं करने कह रहा हूँ पता है, क्योंकि जो अब हम सेकेंड स्टेप करने वाले हैं ना, सेकेंड स्टेप में अगर आप ये 4K सेलेक्ट कर लिए तो सेकेंड स्टेप आप कर ही नहीं पाओगे, इसलिए आपको 1080 में ही इसे एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दो, एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट होने के बाद हम यहाँ पे एक और स्टेप करेंगे जो कि हमारा सेकेंड स्टेप होगा, जिसमें हमारी वीडियो का क्वालिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में ही आपने देखा काफ़ी इंक्रीज हो चुका है, अभी एक्सपोर्ट हो गया, अब आप इसे डन कर लो। ठीक है, अभी जो हमारा सेकेंड स्टेप है ना वो हम कैपकट में नहीं करने वाले हैं, वो हम विंक के एप्लीकेशन में करने वाले हैं। और अगर आपके पास विंक ऐप नहीं है देन इसे आप गेट ऐप से इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे हमारे डिवाइस में गूगल प्ले स्टोर होता है ना जहाँ से हम ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं, सिमिलर में गेट ऐप्स भी होते हैं, वहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर लेना, फिर इसे आप ओपन करना। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। नाउ अब आपको यहाँ एक इमेज क्वालिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करके जस्ट ट्राई नाउ के ऊपर क्लिक कर देना। एंड अभी जो वीडियो कैपकट से आपने सेव किया है उसे सेलेक्ट करना। ठीक है, जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे आपका जो वीडियो होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा और एक प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप यहां देख सकते हो अभी जो प्रोसेसिंग है ना वो ऑटोमेटिकली यहां पे होता है, मतलब कि सिर्फ आपको अपने वीडियो को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके थोड़ा सा वेट करना है। ये जो विंक है इसका AI ऑटोमेटिकली आपके वीडियो का क्वालिटी को इंक्रीज करके आपको दे देगा, वो भी काफ़ी कम टाइम में दे देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सिर्फ हमें वेट करना है, सो वेट कर ले। लाइक आप यहां देख सकते हो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है, इसे मैं प्ले करके आपको दिखाता हूं। ये आप देख सकते हो B4 का क्वालिटी हमारा जो कि काफ़ी अच्छा है, हमने इंक्रीज़ किया है तो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है, आप यहां देख पा रहे हो। ठीक है, ये B4 का क्वालिटी। वहीं अगर आप यहां ये आफ्टर देखो तो आप देख पाओगे ये और भी ज़्यादा शार्प हो गया। ये देख सकते हो B4 और ये आफ्टर, और भी ज़्यादा इसमें क्लैरिटी आ चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो B4 आफ्टर। ठीक है, तो ये स्टेप कर देने से ये जो सेकेंड स्टेप है आप देख पा रहे हो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जा रहा है। आप ये देख सकते हो B4 क्वालिटी कुछ ऐसा, आफ्टर का कुछ ऐसा, जो कि काफी कमाल का लग रहा है, आप यहां देख पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप इस विंक ऐप में जस्ट अपने वीडियो को क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हो। अब सेव के ऊपर क्लिक करके आप इसे सेव कर पाओगे, फिर होम के ऊपर क्लिक कर देना। और हाँ, अगर आपको एक बार में पूरा सेटिस्फाइंग रिजल्ट ना मिल जाए, मतलब कि आपको लग रहा है कि नहीं यार इसको क्वालिटी में और इंक्रीज कर दूँ तो काफ़ी अच्छा लगेगा, तो आप जस्ट इमेज क्वालिटी को एक बार और यूज़ करो। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके ट्राई नाउ के ऊपर क्लिक करो और अभी जो सेव हुआ है उस वीडियो को सेलेक्ट करके अगेन यहाँ थोड़ा वेट करना, तो ये फिर से उसका क्वालिटी इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये स्टेप को जितना बार रिपीट करोगे उतना ज्यादा आपके वीडियो का क्वालिटी इंक्रीज होते जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ आ चुका है कैसे आप अपने वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो कैपकट और विंक ऐप का यूज करके। सो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।